आप सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ललिता जी राधा रानी की सबसे प्रिय सखी आज लाडली जू का श्रृंगार कर रही हैं। जब श्रृंगार पूरा हो गया तो राधा जी को दर्पण सेवा कराई विशाखा जी ने। किशोरी जू ने जब अपने सुंदर से मुख चंद्र को दर्पण में निहारा तो ललिता जू की ओर देखने लगी। आज ललिता जू ने श्रृंगार में कुछ कमी कर दी थी। ए ललिते, आज आप काजल लगाना भूल गई? ललिता जी बोली, नहीं लाड़ो, जब काजल श्याम सुंदर की याद में आंखन सो बह ही जाना है तो लगावे से लाभ भी का है। आप कह रही हो तो लगाए दूंगी, नेक आंख तो बंद करो। प्रिया जू ने हंसकर आंख बंद की। ललिता जी ने इशारे से बाहर खड़े ठाकुर जी को अंदर बुला लिया और प्रिया जू के सामने ठाकुर जी को खड़ा कर दिया। किशोरी जी ने जब नेत्र खोले और प्राण वल्लभ नंद नंदन को जब अपने सामने पाया तो हृदय प्रेम रस से भर गया। रोम रोम से दिव्य प्रेम रस स्फूर्त होने लगा। किंतु अगले ही पल किशोरी सहज गई और रोष प्रकट करते हुए ललिता जी से बोली, आपने यह क्यों किया? मैया की आज्ञा को ही भय नहीं रहो आपको, जो आप इनको महल के अंदर ले आई? ललिता जी हाथ जोड़ के बोली, मेरी लाड़ो, आप दोनों को हाल हमसे देखा नहीं जाता। यहाँ आप व्याकुल और श्याम सुंदर ने तो भोजन पानी सब त्याग दिया। अब लाड़ो आप ही बताओ हम कैसे ये सब सहते? किशोरी जी अब एकदम रोष प्रकट करते हुए बोली, तो इन सब से मेरे काजल का क्या संबंध है? काजल की डिबिया तो ले। ललिता जी हाथ जोड़ के बोली, हे लाडली जू, आप ये बताओ इनसे बड़ो कोई कारो है का? श्याम सुंदर को आप अपने नैनन में बसाए लो। काजल के संग संग एक और लाभ मिलेगा, आपको अब किसी की नजर भी ना लगेगी। नंद नंदन ने प्रिया जू का दर्शन किया और वचन लिया कि वह उनको दर्शन देने के लिए अटारी पर जरूर आएंगे। तो प्रिया जू ने भी ठाकुर जी को थोड़ा ताना मारा कि आप इतने माइल के चक्कर लगाओगे तो यही होगा। दोनों ने एक दूसरे परस्पर दर्शन किए। मित्रों, यह ब्रज की लीला है कि बिना लाडली जू के दर्शन किए ठाकुर जी का कलेवा भी नहीं होता। सत्य कहा है ब्रज के रसिक संतों ने, चापत चरण करत नित सेवा, बिन दर्शन नहीं होत कलेवा। ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।